नोटिस नहीं दे रहा है। यहाँ पे हमारा जो इंक्रोचर्स है उन लोगों के लिए हमारा जो सरकार है वो एक सेल्फ डिमोलिशन के लिए एक पैकेज दिया है। तो इसको पहले हमारा जो हाईवे इंजीनियर लोग इसका मेजरमेंट करके सारा बिल बनाया हुआ है। तो आज हम यहाँ आया है कि जो लोग है वो जो उनका सेल्फ डिमोलिशन या इसको रिलीफ पैकेज का जो पैसा है, मैं यहाँ चेक लिप लेके आया हूँ। इधर ही यहाँ में हम बात करेंगे, अगर उन लोग सेटिस्फाई है मैं यहाँ पे दस्तखत करके चेक को मैं दे दूँगा। और आज अगर कल ही करना है तो आज करेगा, अगर वो लोग समय मांगता है एक दो दिन का तो समय देगा। अभी हम दोनों काम करेंगे क्योंकि हमको जल्दी ये रास्ता बनाना है, क्योंकि हमारा ये रास्ता इस बनाने नया बनाने का नाते अभी रिपेयर भी इतना नहीं चल रहा है, थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा इमरजेंसी में हम लोग चाहता है कि ये सरकार जो है इसको जल्द से जल्द इन लोग को खाली करके ठेकेदार को हैंड ओवर करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो काम कर रहा है तो इसमें अगर नोटिस देना होता है तो इसको हम लोग पैसा नहीं देगा। वो कानून में लिखा है कि जो इंक्रोचर है उसको अगर नोटिस देता है उसका अंदर में खाली नहीं करता है तब उसको इविक्शन करेगा, और जितना भी खर्चा इविक्शन का होता है कानून में लिखा है कि उनको भरना है। लेकिन हमारे यहाँ वेलफेयर सरकार है, बहुत दिनों से इंक्रोचर बैठा हुआ है, इनको खाली करने के लिए यही तरीका है कि इनको मुआवजा ये रिलीफ पैकेज दे के खाली कराना है। तो मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा से लोगों को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, इसलिए थोड़ा से भीर हुआ, ऐसे कोई खास बात नहीं। अच्छा, बात ऐसा है कि सिर्फ ये भानुडा पे होगा ना या अंदर में भी जो? नहीं, यहाँ से लेके हमारा पोपूनाला बोलता है जहाँ हाईवे हमारा ख़त्म हो गया, ये नया हाईवे जो बनाया फोर लेन का, तो अभी यहाँ से लेके वहाँ तक होगा हमारा पैकेज। जहाँ तक बनेगी? हाँ बनेंगे, सबका ऐसे ही होगा। ये कब तक होना है ऐसे? कब तक ये एविक्शन होगा सर? नहीं नहीं, एविक्शन नहीं है। नहीं, जो भी हो तो एविक्शन नहीं है। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये एविक्शन का नियम अलग है। वो एविक्शन का नियम होने से मैं इसको नोटिस देके 7 दिन या 10 दिन का नोटिस देके मैं एविक्शन करता, लेकिन मैं यहाँ एविक्शन नहीं है। यहाँ जो है आपको एक पैकेज दिया है कि वो सेल्फ डिमोलिशन करना है। तो सेल्फ डिमोलिशन का जब सवाल होता है तो लोग अगर पैसा अभी ले लेता है और वो बोलता है कि खाली करना है बोलने से, मैं आज खाली कर दूंगा। और यहाँ थोड़ा ट्रैफिक का कोई इशू होता है काम करने का सुविधा के लिए मैं पुलिस भी रखा हुआ है, ऐसे कोई खास बात नहीं है। ये जो आज जो असिस्मेंट बना के लेके घूम रहा है, चेक लेके घूम रहा है, मेरे को तो उचित नहीं लगता है। उचित इसलिए नहीं लगता है कि सबसे पहले दुकानदार को आप एक नोटिस देना जिसका चेक लिस्ट में नाम में है, तो नाम जिसका है उसको एक नोटिस जारी करना है कि आपका चेक पड़ा हुआ है दुकान के लिए। हाँ, उसको नोटिस देने का बाद में जब मालिक निकालेगा ना, मैं यहाँ का एक व्यक्तिगत हिसाब से मैं वही कहना चाहूँगा कि अभी किसी का दुकान को मैं उनका ये इसका यो उसका हम बताने से तो ये गलत होगा ना। हमको भी, मैं एक यहाँ का मार्केट सेक्रेटरी हूँ और हमको डीसी साहब बुला था कि दुकान का नाम पूछा है। दुकान चलाने वाला अलग है, फिर मालिक अलग है, तो मैं किसको मालिक बोलूँगा, यही तो बात है। और दूसरा बात यह है कि बिना नोटिस से अगर चेक देना होता है तो भी एक नोटिस देके उसका बाद में चेक को इशू करना चाहिए। और एविक्शन करना है तो भी 7 डेज का टाइम देना है या आप महीना का टाइम देना है, कम कम होने से भी 7 डेज टाइम देना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट को, हमारा राज्य सरकार को मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आज यहाँ में SOP का रूल 24 घंटा निकलते रहता है। जी जी। आज आप लोग मीडिया का जरिए सारा यहाँ का पब्लिक देख रहा है जी। मैं आपका कलेक्टर साहब भी यहाँ में है जी। तो यहाँ का दजिया उड़ा रहा है कि हम लोग के लिए, गरीब लोग के लिए SOP होता है जी जी। मेरा हिसाब से तो SOP को ये कुड रूल बना के ये तो वायलेट कर रहा है। तो आप देखिए, ये तो SOP का नियम को ख़त्म कर रहा है। ये हमको राज्य सरकार को वही हम गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका ऑर्डर जैसे दिया है उस हिसाब से पालन कीजिए। मतलब SOP गरीब लोगों के लिए होता है और अमीर लोग? गरीब लोग के लिए तो SOP चलता है, बाकी ऑफिसर धनी लोग के लिए तो खुला है। तो आप अभी देख सकता है ऐसे SOP में तो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है कि आप खुद आप देखिए
मैं एक यहाँ का नागरिक होने का नाते मेरा तरफ से वही एक संदेश है और राज्य सरकार को भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ आप जैसे कानून बनाया लॉकडाउन हम लोग झेला है, हम लोग मेंटेन करता है गरीब लोग और SOP भी हम लोग मेंटेन करता है और बाकी आज SOP को ढजिया उड़ा रहा है ये हमको मज़ा नहीं लगता है। मैं एक यहाँ का व्यक्तिगत और यहाँ का जन्मभूमि हूँ, मैं ये स्टेट सरकार को राज्य सरकार को ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा।